तो मेरा नाम है विजय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादूगर की बेटी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। विराटनगर के वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के बाद जादूगर जमालो, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने मंत्र विद्या के जौहर दिखाओ। जी महाराज, मंच पर पहुंचकर जादूगर जमालो ने अपने झोले से एक डंडा निकाला और उस पर मंत्र पढ़ने के बाद, महाराज मेरे हाथ में यह साधारण सा डंडा है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आपकी सेना का कोई भी सूरमा इस डंडे को उठा नहीं सकता। कहने के साथ ही जादूगर ने वो डंडा अपने निकट ही मंच पर फेंक दिया। खट। तब जादूगर जमालो, मैं तुम्हारे इस डंडे को उठाकर इतनी दूर फेंकूंगा कि ये तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेगा। शाबाश सेनापति वीरसेन, लेकिन ये क्या, उफ, ये डंडा तो हिलाए नहीं हिल रहा। जरा और जोर लगाओ सेनापति जी। फिर हार कर सेनापति वीरसेन ने वो डंडा वहीं छोड़ दिया। हम्फ, हम्फ। महाराज सेनापति जी तो ये डंडा उठा नहीं सके। अब आप अपनी सेना के 10-20 बहादुर सैनिकों से कहें कि वो ये डंडा उठाकर दूसरी जगह रख दें, ताकि मैं दूसरा खेल दिखा सकूं। फिर महाराज का इशारा पाते ही हम भी तो देखें इस जादूगर की जादूगरी, जो अगर हम लोग मिलकर भी इस डंडे को ना उठा सकें तो लानत है हम पर। फिर हम्फ, उफ। महाराज ये सैनिक तो इस डंडे को उठा नहीं सके, अब आप मेरे डंडे का कमाल देखिए। कहने के साथ ही जादूगर ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा तो सर, आश्चर्यजनक, वाह। अगले ही पल सभी आश्चर्यचकित रह गए। जूम, वाह वाह, जादूगर जमालो सर, अब तुम कोई ऐसा खेल दिखाओ जो हम सबको हैरत में डाल दे। महाराज का हुक्म सर आंखों, लेकिन ऐसा कोई खेल दिखाने से पहले मैं महाराज से अपनी जान बख्शवाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है महाराज मेरे इस खेल से मुझ पर क्रोधित हो जाएं। जादूगर जमालो, तुम शायद ये नहीं जानते कि हम खेल कूद का सिर्फ आनंद उठाते हैं, खेल कूद पर गुस्सा नहीं करते। बेहतर महाराज। फिर सुम, सटाक, अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। आश्चर्य है, पलक झपकते ही राजा के सिंहासन पर जादूगर और जादूगर के स्थान पर राजा। अरे ये क्या, ए जादूगर, तुम मेरे सिंहासन पर क्यों बैठ गया? तू शायद नहीं जानता कि मुझे सब पसंद है, लेकिन ये नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, तुम कमाल के जादूगर हो जमालो। मैं जादूगर? बको मत, जल्दी से मेरे सिंहासन से नीचे उतरो। क्या क्या बकता है तू जादूगर? सुनो प्रजाजनों, ये मुझे जादूगर और अपने आप को राजा कह रहा है। अगले ही पल सेनापति वीर सिंह, गिरफ्तार कर दो इसे, ये गुस्ताखी पर उतर आया है। चलो महारानी, हम महल चले। एकाएक रानी सुमनलता क्रोध से बिफर उठी और बोली, बदतमीज, तेरी ये जरूरत कि तू मेरा हाथ पकड़े? और इससे पहले कि क्रोध में रानी जादूगर जमालों के गाल लाल कर दे, तभी, ठहरो महारानी जी, आप मेरी जादूगरी से धोखा खाकर महाराज के साथ कोई गुस्ताखी ना करें। अगले ही पल राजा के स्थान पर खड़ा जादूगर जमालो कह रहा था, दरअसल मैंने मंत्र विद्या द्वारा महाराज की शक्ल और अपनी शक्ल आपस में बदल दी थी। हैं ये क्या क्या? फिर जादूगर जमालो ने मंत्र पढ़ा तो आश्चर्यजनक। तब राजा ऋतुसेन का छोटा भाई आगे बढ़ता हुआ बोला, वाकई जमालो, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। ये लो मेरी ओर से 500 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारा इनाम। फिर समारोह के समापन के बाद जब जादूगर जमालो एक जंगल से होकर अपने गांव की ओर बढ़ रहा था, कि तभी अचानक भड़ाक, आ, जादूगर जमालो बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। और अगले ही पल ये बेहोश हो गया है। इसका सामान समेटो और इसे ले चलो। फिर जब उसे होश आया तो, उफ, मैं कहाँ हूं और मुझे किसने और क्यों कैद किया है? अगले ही पल वो चीख पड़ा, कौन है जिसने मुझे कैद किया है? तुरंत ही तहखाने की सीढ़ियों पर एक नकाबपोश प्रकट हुआ। ओह, तो तुम्हें होश आ गया जादूगर जमालो?
कौन हो तुम और मुझे इस प्रकार बंदी बनाने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? धीरज रखो जादूगर, तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य भी बताया जाएगा, लेकिन मैं अभी सुनना चाहता हूँ, तो सुनो। तुम मुझे वो मंत्र सिखाओ जिससे तुम दूसरों से अपनी शक्ल बदल लेते हो। असंभव। मंत्र विद्या सीखने के लिए मंत्र साधना करनी होती है। तो तुम मेरी शक्ल राजा ऋतुसेन जैसी कर दो ताकि तुम्हें लोग राजा समझने लगे। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ओह जादूगर, मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। और इनकार करने की सूरत में तुम्हें अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। मुझे अपने प्राणों की कतई चिंता नहीं है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। साका, अगले ही पल। ये साका है और इसे ना को हाँ में बदलवाने की कला आती है। फिर नकाबपोश का इशारा पाते ही साका भयानक अंदाज में जादूगर की ओर बढ़ा। काश मेरा झोला मेरे पास होता तो मैं उसे कबूतर बना देता। और फिर धड़ाक, उफ, धड़, आ मैं कहता हूं अभी भी हाँ कर दे। क्यों बिना मतलब अपनी हड्डियां तुड़वाने में लगा है? तू चाहे जो कर ले शैतान, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा जो तू चाहता है। साका, मार हरामजादे को। फिर धड़, आ जादूगर मार खाते खाते बेहोश हो गया, लेकिन जब उसने हाँ नहीं की तो हरामजादा बहुत ही सख्त जान है। हाँ सरदार, मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरीके से आपका काम करने पर राजी हो जाए। फिर क्या किया जाए? सरदार, यदि हमें इसकी कोई कमजोरी मिल जाए तो हो सकता है कि आपका काम बन जाए। वाह साका, तेरी बुद्धि का भी जवाब नहीं। आओ मेरे साथ। फिर थोड़ी ही देर बाद वो नकाबपोश अपने साथियों के सामने खड़ा उनसे कह रहा था, शमशेर और बीरू, तुम दोनों आज जादूगर के गांव जाओ और अपने परिवार में जादूगर जिससे सबसे ज्यादा स्नेह करता हो उसे उठा लाओ। जी, लेकिन उसे यहाँ लाने की जगह नीली पहाड़ी वाली गुफा में ले जाना। जी सरदार। शमशेर और वीरू ने जादूगर के गांव पहुंचकर जब गांव वालों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि जादूगर के परिवार में सिर्फ उसकी एक बेटी है। तो वाह, हमारा काम तो बिल्कुल आसान है। हाँ, जादूगर की बेटी का अपहरण कर हमारे बा जादूगर हाँ जादूगर की बेटी का अपहरण तो हमारे बाएं हाथ का काम है। फिर उस रात जब पूरा गांव सोया पड़ा था तो खटखट, ओ बाबू। लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, कौन हो तुम लोग? लड़की, हम लोग कोई भी हैं, लेकिन आए तुम्हारा अपहरण करने हैं। अगले ही पल धप, आ बीरू तेजी से जादूगर की बेटी की ओर बढ़ा। आ सोनाली, तेरे जैसे कुत्तों से निपटना जानती है। ठहर, तेरी तो धाड़। आ इसी के साथ वीरू और शमशेर सतर्क हो उठे। ये साधारण छोकरी नहीं बल्कि आफत की पुड़िया है। इसे काबू में करने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। बोलो, तुम कौन हो और मेरा अपहरण क्यों करना चाहते हो? अभी बताते हैं। कहने के साथ ही ठक, ढिसुम, आ। और फिर तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। सोनाली ने अलमारी से इंसानी हड्डी का एक टुकड़ा उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। अगले ही पल सर, हिस, नहीं, क्या फुस, हिस, यही। अब बोलो कि तुम लोग कौन हो और क्यों मेरा अपहरण करना चाहते हो? जो अगर तुमने अभी भी जुबान ना खोली तो मेरा इशारा पाते ये सांप तुम्हें डस लेंगे। रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा नाम बीरू है और इसका नाम शमशेर है, और हम दोनों एक नकाबपोश के कहने पर तुम्हारा अपहरण करने आए थे। कौन है वो नकाबपोश? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि इस समय तुम्हारे पिता जमालो भी उसके कैद में है। असंभव, मेरे पिता को कैद करना एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। मैं सच कह रहा हूं जादूगर की बेटी, वो नकाबपोश तुम्हारे पिता से कोई काम कराना चाहता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसका काम करने से इनकार कर दिया है। तब उस नकाबपोश ने हमें तुम्हारा अपहरण करने के लिए भेजा, और उसकी पूरी बात सुनकर, ओह तो ये बात है। अब तुम मुझे वहां ले चलो जहां उस नकाबपोश ने मेरे पिता को कैद कर रखा है। नहीं, अगर हम तुम्हें वहां ले गए तो वो नकाबपोश हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और यदि तुम मुझे वहां ना ले गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने हमें मार दिया तो तेरा बाप भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या मतलब?
मतलब ये कि अगर सुबह होने तक हम दोनों उस नकाबपोश के पास नहीं पहुंचे तो वो समझेगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, और तब वो बिना सोचे समझे तेरे बाप को मार डालेगा। उफ, अब मैं क्या करूं। फिर बहुत सोचने विचारने के बाद उसने मन ही मन कोई निर्णय लिया और सुंग अचानक, ओह चलो जहां तुम कहोगे मैं चलने को तैयार हूं। बहुत खूब, अब की है तूने अकलमंदी की बात। इस तरह जादूगर की बेटी नीली पहाड़ी की गुफा में कैद करने के बाद बीरू और शमशेर नकाबपोश के पास पहुंचे। आओ शमशेर, काम हो गया। जी सरदार, ये लो जादूगर की बेटी की अंगूठी, इसे जमा लो, तुरंत पहचान लेगा। बहुत खूब, अब उस जादूगर को मेरा काम करना ही होगा। अगले ही पल जमा लो, इस अंगूठी को पहचानता है ये अंगूठी तो मेरी बेटी सोनाली की है। हाँ, अब तो तू समझ गया होगा कि तेरी बेटी इस समय मेरे कब्जे में है, और यदि अभी भी तूने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे राजा रितुसेन का चित्र ला कर दो, मैं तुम्हारी शक्ल राजा रितुसेन जैसी कर दूंगा। रितुसेन का चित्र कल तक तुम्हें मिल जाएगा। कहने के साथ ही नकाबपोश तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। फिर दूसरे ही दिन, ये लो रितुसेन का चित्र। अब मेरे हाथ पैर खोलो ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं। ओह हाँ, नकाबपोश के कहने पर साका ने जादूगर के हाथ पैर खोल दिए। मेरा झोला कहाँ है? वो सामने पड़ा है। सुंग सटांग विसुलू। फिर कुछ देर बाद, ये लो, जैसे ही तुम इस ताबीज को अपने गले में पहनोगे तुम्हारी शक्ल राजा रितुसेन जैसी हो जाएगी, और जब तुम ये ताबीज गले से उतारोगे तो अपनी असली सूरत में आ जाओगे। वाह, फिर नकाबपोश ने अपने गले में ताबीज पहनी और नकाब उतार दी। वाह सरदार, तुम्हारी शक्ल तो अब राजा रितुसेन से हूबहू मिलती है। अच्छा, ला आईना, मैं भी तो देखूं जरा। और फिर मैं विराट नगर का राजा रितुसेन। तभी तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब तुम मुझे और मेरी बेटी को आजाद कर दो। ए हाँ, वाह जमालो, तुम कमाल के जादूगर हो। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, और पुरस्कार में मैं दूंगा मौत। खचाक आई, ये आपने क्या किया सरदार? साका, ये राज रहे इसके लिए इसे खत्म करना बहुत जरूरी था। और अब मैं जा रहा हूँ नीली पहाड़ी, क्योंकि मुझे जादूगर की बेटी को भी खत्म करना है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो घोड़े पर सवार होकर नीली पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। जादूगर की बेटी के बाद नंबर है राजा रितुसेन का। और फिर कुछ देर की यात्रा के बाद, कहाँ है वो लड़की? अंदर। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, वाह इतनी खूबसूरत, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? लड़की, आया तो था मैं यहाँ तेरी मौत बनकर, लेकिन तू इतनी खूबसूरत है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। रानी? तो इसका मतलब तुम किसी देश के राजा हो? हाँ, नकाबपोश गले में ताबीज पहनने के बाद चेहरे से नकाब उतारता हुआ बोला, मैं हूँ विराट नगर का राजा रितुसेन। मेरे पिताजी कहाँ है? तुम्हारे आदमी ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारी कैद में है। हाँ, तेरा बाप मेरे ही कैद में था, लेकिन अब मैंने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया है। क्या पापी, क्यों मारा तूने उन्हें? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? वो मेरा एक ऐसा राज जानता था जो उसकी मौत का कारण बना। हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बापू की मौत का बदला तुझसे लूंगी, खाक उड़ा दूंगी मैं विराट नगर में। तो कुछ भी नहीं कर पाएगी लड़की, तुझे या तो मेरी रानी बनना होगा या मेरे यहाँ तो मरना होगा। मैं 3 दिन बाद यहाँ आऊंगा, इनमें से जो भी रास्ता चुनना हो मुझे बता देना। दुष्ट, कहने के साथ ही उसने अपने चेहरे पर नकाब पहनने के बाद गले से ताबीज उतारी और फिर बाहर की ओर बढ़ा। शैतान, तूने मेरे देवता समान बापू की हत्या कर अच्छा नहीं किया, तुझे उनके खून की कीमत चुकानी होगी। फिर उसी रात वो नकाबपोश खिड़की के रास्ते राजा रितुसेन के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। कितनी मस्ती की नींद सोया हुआ है ये। अब से कुछ ही देर बाद इस पलंग पर मैं भी मस्ती की नींद सोऊंगा। फिर राजा के निकट पहुंचकर उसने एक हाथ से राजा का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से ठक। राजा रितुसेन बिना चीखे ही अपनी चेतना खो बैठे, और अगले ही पल
गुप्त रास्ते के सहारे वो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ अंदर की तरफ पहुंचा और वहां राजा को एक मोटे से रस्सी में बांध दिया। अब इसे बांध दूं? बांधने के बाद छपाक, गुस्ताख, कौन हो तुम और तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब है? लो पहचानो मुझे, जबरसेन। तुम क्या चाहते हो? तुम विराटनगर का राज सिंहासन? असंभव, विराटनगर की प्रजा तुम्हें राजा के रूप में कतई स्वीकार नहीं करेगी। करेगी, जरूर करेगी। फिर कहने के साथ ही उसने जादूगर द्वारा तैयार की गई माला गले में पहनी। अब बोलो भ्राता श्री, विराटनगर की प्रजा मुझे राजा स्वीकार करेगी ना? तुम बोलते क्यों नहीं ऋतुसेन? कमीने, आखिर तूने जता दिया ना कि तू मेरा सौतेला भाई है, लेकिन ये एक बात याद रख, तो इस बहुरूप से प्रजा को धोखा दे सकता है किंतु रानी सुमनलता और राजकुमार अभयसेन को नहीं। इसकी फिक्र इसकी फिक्र मत करो रितुसेन, जल्द ही राजकुमार और रानी भी यहाँ होंगे, फिर मैं तुम तीनों को एक साथ मौत के घाट उतार कर निश्चिंत होकर विराटनगर पर राज्य करूंगा। दुष्ट आस्तीन के सांप, कमीने। 28 लगाता हुआ जबरसेन पलटा और उसे गुप्त रास्ते से राजा रितुसेन के शयन कक्ष में पहुंचा। मैं राजा रितुसेन। और फिर दूसरे दिन सुबह उठते ही उसने सेनापति वीरसेन को अपने कक्ष में बुलवाया। सेनापति, राजकुमार अभयसेन इन दिनों कर्णपुर अपने मामा के यहाँ है, उसे तुरंत ही यहाँ बुलवाया जाए। जी महाराज। और फिर सेनापति के जाने के बाद अब मुझे राजदरबार के लिए तैयार होना चाहिए। वो समय से राजदरबार पहुंचा। राजा रितुसेन जिंदाबाद, महाराज की जय हो। फिर दरबार का कार्य शुरू हुआ। महाराज, इस वर्ष राज्य में फसल कुछ कमजोर हुई है, अतः किसान लोग कर में कुछ छूट चाहते हैं। ठीक है महामंत्री जी, इस वर्ष किसानों को आधा कर माफ किया जाता है। ये सुनते ही प्रजा जय जयकार कर उठी। मैंने वही निर्णय लिया है जो इस मौके पर ऋतुसेन लेता, और ऐसा इसलिए किया कि प्रजा को या मंत्रीगणों को मुझ पर कतई किसी प्रकार का संदेह ना हो। महाराज की जय हो। राजा ऋतुसेन जिंदाबाद। इधर कर्णपुर में जब राजकुमार अभय सिंह को राजा ऋतुसेन का आदेश मिला तो अपने मामा राजा देवघर से आज्ञा लेकर तुरंत ही संदेशवाहक सैनिक के साथ विराटनगर की ओर चल पड़ा। ना जाने पिताजी ने एकाएक मुझे क्यों बुलवाया। फिर जब वे एक जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे तो एकाएक तूफान, साए साए। अगले ही पल तूफान के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। कर कड़ाक, उफ, अब क्या किया जाए। तभी राजकुमार का घोड़ा एकाएक बेकाबू होकर एक तरफ भागा। अब जल्दी ही इस बेकाबू हो चुके घोड़े को छोड़ना होगा, वरना हो सकता है कि ये मुझे साथ लेकर किसी खाई में छलांग लगा दे। फिर जब राजकुमार किसी तरह घोड़ा रोक पाने में सफल ना हुआ तो वो कूद पड़ा धप। अब इस बारिश से बचने के लिए मुझे सुरक्षित स्थान की तलाश करनी होगी, वरना अगर कुछ देर और इस बारिश में भीगता रहा तो ठंड लग जाएगी। ये सोच वो पैदल ही बढ़ने लगा। क्या जबरसेन की योजना सफल रही? क्या वो राजा ऋतुसेन, रानी सुमनलता और राजकुमार अभयसेन को खत्म कर सका? जादूगर की बेटी का क्या हुआ? क्या वो अपने पिता की हत्या का बदला ले सकी? इसी तरह के और भी कई प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तुलसी कॉमिक्स में प्रकाशित मौत की आंधी अवश्य पढ़ें। तो मिलते हैं इसके अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।